कन्हैया का पनघट और शंकर का मरघट। बेटा नंदी, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? पुत्र, क्या बात है, बोलो पुत्र। हे सर्वशक्तिमान, प्राणी मात्र के रोम रोम में वसने वाले भक्त वत्सल भगवान भूतेश्वर, आज मुझे अचानक ब्रजभूमि के तीर्थ स्थल गोवर्धन गांव में बने हुए पनघटों को देखने के लिए इच्छा हो रही है प्रभु। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा, पनघट से रमणीक तो अपना मरघट है, तुम मरघट पर रह करके तो देखो। नहीं भोलेनाथ, ब्रज के पनघट का महत्व मरघट से अधिक बताते हैं। बाबा, एक बार सिर्फ एक बार गिरिराज महाराज की तलहटी में बने पनघटों को दिखा दो ना, बस और कुछ नहीं चाहिए महादेव। बिल्कुल नहीं बेटा, मरघट का महत्व तुम नहीं जानते हो। मरघट जैसी जगह तो हर समय रहने के लिए बड़े भाग्य वालों को मिलती है। मुझले चल तू गिरिराज आज है बाबा भूतेश्वर। चल तू गिरिराज आज है बाबा भूतेश्वर। गिरिराज का दर्शन हो जाए जो भेष रखे नटवर। मुझ ले चल तू गिरिराज आज है बाबा भूतेश्वर। श्याम चराते गोवर्धन पर गईया, हाँ गोवर्धन पर गईया। हमने सुना है श्याम चराते गोवर्धन पे गईया, हाँ गोवर्धन पे गईया। वहाँ तक ढूंढन को जाती है मनमोहन की मैया, हाँ मनमोहन की मैया। कृष्ण यशोदा दोनों के दर्शन होंगे वहाँ चल कर। मुझ ले चल तू गिरिराज आज है बाबा गोलेश्वर। गोवर्धन के पनघट से तो अच्छा अपना मरघट। सुनो बेटा, मिला अगर वहां चोर तो हो जाएगी खटपट। देवी पार्वती। हाँ बताओ। देखो ये नंदी ब्रज भूमि पर जाने की जिद कर रहा है। अच्छा, इसमें तुम्हारी क्या सलाह है? हे कैलाशपति, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। आप नंदी का सहारा लेकर स्वयं पहले की तरह ब्रज गोपियों में मस्ती लेने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो, मैं सब जानती हूँ महादेव। नहीं नहीं देवी, नहीं देवी, इस समय तुम हमारी बात समझ नहीं पा रही हो। दरअसल बात ये है, सुनो गिरजा। मथुरा में कदम नहीं रखे, मथुरा में कदम नहीं रखे,
और वृंदावन ओर न झांकेंगे। अच्छा हाँ सत्य कह रहा हूँ, केवल गिरिराज के और दर्शन कर कैलाश लौट हम आएंगे। ओ गिरिजा ठीक कह रहे हो, सत्य बात है पार्वती, केवल गोवर्धन का दर्शन करना है। और सुनो, सुनाओ, जो तुम समझ रही हो वो बात नहीं है। है पास वहाँ राधा का कुंड, राधा का कुंड आपने सुना होगा। अच्छा है पास वहाँ राधा का कुंड, स्नान करने की इच्छा है। ओ नंदी के मुख से सुना अभी, पनघट तो बहुत ही अच्छा है। ए गौरा देवी, वहां के पनघट बहुत ही सुंदर बताते हैं, यदि इसमें तुम्हें कोई शक है तो तुम भी साथ चलो। हाँ माता जी, आज हम आपके साथ ही गोवर्धन की पवित्र भूमि पर चलेंगे। ए मैया और सुनो, ओ मैया हो जा तू तैयारी, आज गोवर्धन जाएंगे। मैया हो जा तू तैयारी, आज गोवर्धन जाएंगे। वहाँ के पनघट बड़े विशाल, श्याम दर्शन हो जाएंगे। कहो नंदी। हाँ ये मान जाएंगी, तुम्हारी बात मान जाएंगी। प्रभु वहाँ पर बड़ा ही आनंद आता है। माता जी। हाँ सुनाओ नंदी। जल्दी करो ना अब तो। ग्वाल बाल और गैया बछड़ा मिले राधिका रानी, हो माता मिले राधिका रानी। ग्वाल बाल और गैया बछड़ा मिले राधिका रानी, ओ मैया मिले राधिका रानी। भोलेनाथ को साथ में लेकर चलो, अंबिके रानी मिलेंगे। हे माता, आप भोलेनाथ से बस एक बार कह दो, माँ आज हमारी इच्छा गोवर्धन पर्वत देखने की है। कहो मैया सिर्फ एक बार। हे रोम रोम में बसने वाले सदाशिव, ये नंदी क्या कह रहा है? आपने कुछ सुना है? इधर देखो ना महादेव, इधर देखो। हाँ देवी देख रहा हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है, और तुम भी कान खोल करके सुन लो। अगर हम गोवर्धन पर्वत पर चलेंगे भी तो ऐसा रूप धारण करेंगे जो कि वहाँ के गोपी ग्वाल हमें पहचान न पाए। नहीं महादेव, रूप तो वास्तविक जो है वही रहेगा। हमें गिरिराज की परिक्रमा करनी है और मुखारविंद पर उनका भोग लगाना है, तथा राधा कुंड में स्नान करके वापस अपने कैलाश पर आना है। हमें उस कन्हैया से क्या लेना देना है? ना 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 देवी, एक बात और सुनो। क्या? उस छलिया की, उस रसिया की और पहचान नहीं देवी तुमको। सुन रही हो पार्वती? हाँ सुन रही हूँ। वो छलिया है, तुम्हें पहचान नहीं है। उस छलिया की, उस रसिया की पहचान नहीं देवी तुमको। गिरिराज रूप धरो आ जाए, मालूम पड़ेगा ना तुमको। हे भोलेनाथ, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, गिरिराज का रूप रख लेता है वो। अच्छा नटवर है वो। और सुनो,
दर्शन करने ना देगा वो। दर्शन करने ना देगा वो, कोई प्रश्न अटपटा पूछेगा, उत्तर कैसे देंगे उसको, मोहरी गिज उमा न मानेगा। नहीं महादेव, नहीं महादेव, ऐसा ही है। पार्वती, वो ऐसा ही है, वो छलिया है, वो रसिया है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। बाबा, इस बात की आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपका नंदी अब की बार तो बस एक एक प्रश्न का उत्तर देगा। और सुनो महादेव, हम ऐसे गुरु के चेला हैं जो तीन लोक का दाता है, ब्रज वालों को कुछ पता नहीं, गुरु मेरा भाग्य विधाता है। बेटा, उस छलिया की, उस रसिया की, सुन रहे हो नंदी? हाँ हाँ प्रभु। ना तुम्हारी माताजी समझती है, ना तुम समझते हो। उस छलिया की, उस रसिया की, और पहचानो नहीं तुमको बेटा, चक्करधारी के चक्कर में फंसवा मत देना ओ बेटा, चक्करधारी। देखो स्वामी, पहले यहाँ सोच समझ लो, हमें गिरिराज बाबा का पनगढ़ देखना है तथा राधा कुंड में स्नान भी करना है, और परिक्रमा देते हुए मुखारविंद पर भोग भी लगाना है। और हाँ, एक बात और सुनो। क्या बोलो? छोड़ मरघट को पनघट पे जाऊंगी, राधा रानी से मिल कर के आऊंगी। मिल लेना पार्वती। सुनते हो भोलेनाथ? सुनतो रहा। हमारी बहुत इच्छा है राधा से मिलने को। छोड़ मर घट को पन घट पे जाऊंगी, राधा रानी से मिल करके आऊंगी। अब हुई ना इच्छा? हाँ देवी। और सुनो। सुनाओ। राधा के साथ पन घट पे पानी भरूं, करके दर्शन सुनो इच्छा पूर्ण करूं। कर लेना पूर्ण, ये मैं भी चाहता हूँ देवी। राधा के साथ पन घट पे पानी भरूं, करके दर्शन सुनो इच्छा पूर्ण करूं। चल के पर्वत को भोग लगाऊंगी, राधा रानी से मिल करके आऊंगी। ये तो हम चाहते ही थे पार्वती, तुम्हारी समझ में अपने आप आ जाता है, समझाने की जरूरत नहीं है। हे भोलेनाथ। हाँ पार्वती। सुनो। सुना। छोड़ मर घट को पन घट पे जाऊंगी, राधा रानी से मिल कर के आऊंगी। तैयार हो? हाँ भोलेनाथ। ठीक है देवी। हे नाथ, पहले श्री जी के दर्शन करूंगी तथा राधा कुंड पर बने पनघट पर गोपियों के साथ पानी भरूंगी। अच्छा, तब कहीं गिरिराज बाबा के दर्शन करूंगी, समझे भोलेनाथ? बस बस बस, रहने दो माताजी, आपकी सलाह अगर हमने मान ली तो सारी जिंदगी गिरिराज बाबा का दर्शन नहीं होगा। मेरी मानो तो एक काम करो,
यहाँ से हम तीनों ही साधारण भेष में चलते हैं, क्या कहते हो महादेव? नंदी बेटा, बात तो कहीं तक ठीक ही है, परंतु हम भेष आखिर रखेंगे कौन सा जिससे वो ब्रजरसिया हमें पहचान नहीं पाए? हे देवादेव महादेव, भेष किसान का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की भीड़ अधिक आती है, उन्हीं में हम भी चलते रहेंगे, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। नंदी चलो अपनी माता जी से कहो तैयार हो जाएं। चलो चलो जाओ। जय श्री आज्ञा महादेव। माता जी। हाँ नंदिया। आप साधारण ग्रामीण स्त्री का रूप रख लीजिए और जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। अच्छा? जल्दी आना माता जी। आ गए बेटा। हाँ भोलेनाथ। और उमा तुम भी तैयार हो? हाँ हाँ। अच्छा सोच लेना। हाँ। तो अब चलते हैं बेटा। आओ उमा चलो। देखो माता श्यामुनी, पनघट बहुत विशाल, पहले पनघट पर चलो, देखे वहाँ का हाल। वाह वाह, क्या रमणीक स्थान है बाबा। स्थान तो अच्छा है बेटा, पर एक बात कहूँ? कहो ना प्रभु। वाह कि धन्य धन्य कृष्ण चंद्र, धन्य रानी राधिका, जो ऐसे रमणीक ब्रज में पनघट बनाए हैं। देवी पार्वती। हाँ भोलेनाथ। देख रही हो? देख रही हो देवी? देख रही हूँ। हरे भरे वृक्ष कैसे और मन को लुभाए रहे, ढाको वन के पत्ते दोनों रूप में दिखाए हैं। पनघट को पानी पिए चल के आज दोनों हम, पहली बार गोवर्धन के दर्शन को आए हैं। और इधर उधर देख लीजो पार्वती। हाँ भोलेनाथ। नंदी। हाँ प्रभु। इधर उधर देखते रहना। बिल्कुल। इधर उधर देख लीजो, कृष्णा दिखाई दे, परिक्रमा की लगन आज मन में लगाए हैं। देखते रहना बेटा, तुम्हें कैसा लग रहा है ये गोवर्धन? हे देवादे महादेव, बस भगवान कृष्ण की तो लीला ही निराली है। नाम है जिसका तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो। देखो भोलेनाथ, पहाड़ों पर कितनी रौनकता है, इस गोवर्धन पर्वत ऊपर कृष्ण चराता गैया है। देखो भोलेनाथ, पहाड़ों पर कितनी रौनकता है, इस गोवर्धन पर्वत ऊपर कृष्ण चराता गैया है। वहाँ मिलेगा नंदिया, वहाँ मिलेगा नहीं वो रसिया, अभी वो वृंदा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैया, आज तुझे मैं ऐसे देवता के दर्शन कराऊंगा कि तुम भी प्रसन्न होकर नाच उठोगी। अरे बेटा,
मुझे किसी देवता के दर्शन नहीं करने हैं। अगर तू मुझे दर्शन ही कराना चाहता है तो त्रिलोकी नाथ महादेव तथा उनकी महादेवी के दर्शन करा दे और मैं अपने मन की बात तुझे साफ साफ बताऊंगा ना। हाँ हाँ मैया बताओ। तो सुन, जो पिए भंग भस्मी हो अंग नयनों में आग के शोले मिल जाए आज भी भोले तू हर्षित हो मन डोले मिल जाए आज भी भोले तू हर्षित मन वाडोले। सुना लाला? अच्छा मैया। प्रतीक्षा करना। क्यों? आज चतुर्दशी है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर गिरिराज दर्शन को अवश्य आवेंगे। तू सत्य कहता है लाला। चल मैया जल्दी चल। ठीक है चलती हूँ। बेटा नंदी। हाँ भोलेनाथ। देखो वो आ रहा है। सुनो बेटा, कोई ऐसी बात मत आने देना जिससे इसे हम पर शक हो जाए, समझे बेटा? और पार्वती। हाँ हाँ महादेव। तुम भी सुन लो। अच्छा महादेव। शक ना हो जाए। ठीक है। तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। देखो देखो इसकी मैया भी साथ में है। पार्वती। हाँ भोलेनाथ। तुम जी भर के इस पनघट को देख लो, उसके सामने पनघट मरघट की बात चलाना ही मत, समझ गई? नहीं भोलेनाथ, मैं पनघट पर पानी भरना चाहती हूँ। इतना सुंदर पनघट हमने कभी नहीं देखा है भोलेनाथ, कभी नहीं देखा है। इस तरह से चुपचाप बैठी रहो। नहीं नहीं भोलेनाथ, ऐसे हजार पनघट बनवा दूंगा। इतना सुंदर पनघट हमने कभी नहीं देखा है। पहले गिरिराज बाबा की झांकी का दर्शन करना है, इसे निकल जाने दो। और देखो मर गए, ये तो इधर ही आ रहा है। पार्वती नंदी मर गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा महाराज? बाबा ये प्रश्न जरूर करेगा, आज गिरिराज का दर्शन ये करने नहीं देगा। आ रहा है बाबा, वो आ रहा है। बाबा जी राम राम। राम 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 बेटा राम 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 राम। अरे आप लोग तो शायद गिरिराज बाबा की परिक्रमा देने आए होंगे। हाँ 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 हाँ। तुम क्या यही रहते हो बेटा? रहते ही नहीं, ये ब्रज भूमि जो तुम देख रहे हो। हाँ हाँ बहुत सुंदर भूमि है। अच्छा बेटा हाँ हम तो अब चलते हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा है। ए ए कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बाबा। क्या बात है भैया? इतनी भी जल्दी क्या है,
हम भी दर्शन को आए हैं, हम भी दर्शन को आए हैं, शिव जी के दर्शन करवाने मैया को भी संग लाए। बेटा प्रभु क्या होगा नादिया, वो तो फंसेंगे पहले की तरह। फंसा फंसी की बात मत किया कर। अच्छा चुप। तुम चेला गुरु हमें दोनों कुछ शिक्षित मालूम पढ़ते हो, कुछ शिक्षित मालूम पढ़ते हो। वो तो है। एक प्रश्न का उत्तर तुम दोनों क्या हमको यहाँ दे सकते हो? दे सकते हैं? हो गया काम, जानते बाबा। बेटा ये तो गांव के गवार और अनपढ़ लोग हैं, इनके चक्कर में अगर हम पड़ गए तो आज भोले बाबा के दर्शन किए बिना ही रह जाएंगे। अरे बेटा चल जल्दी आ, चल ना। मैया तुझे दर्शन ही तो करना है। हाँ लाला, पार्वती नंदी शहर मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अरे भैया तू कैसा छोरा है, अपनी मैया की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता? देखो देवी, अभी अभी नादिया पर बैठ करके वे दोनों कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? तुमने नहीं देखा? नहीं भैया। मैंने देखा, हमें कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे बताऊँ? बताइए भैया कहाँ मिले थे, शीघ्र बताइए। परिक्रमा मार्ग में देखे जाते भोलेनाथ, नादिया पर गोरा थी साथ, नादिया पर गोरा थी साथ। कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य है, हमने आंखों से देखा है। अच्छा, इसी परिक्रमा मार्ग में। देवी परिक्रमा मार्ग में देखे जाते भोलेनाथ, नादिया पर गौरा थी साथ, नादिया पर गौरा थी साथ। और बताओ। हाँ बोलिए महाराज। अपने छोरे को ले जाना, जाकर उनके दर्श कराना। हाँ हाँ वो तो मैं जाऊंगी जरूर। हाँ ए, अपने छोरे को ले जाना, जाकर उनकी दर्श कराना। निकल गए तो फिर मत कहना, यहाँ रुकने से कुछ नहीं मिलना। हम तीनों ने आँख से देखा, हम तीनों ने आँख से देखा, जतीपुरा के पास नादिया पर गौरा थी साथ, नादिया पर गौरा थी साथ। जतीपुरा के पास देखा देवी। अच्छा, दौड़ के ले जाओ अपने छोरे को। तो पार्वती मैया भी साथ थी? हाँ हाँ तीनों तीनों थे। तीनों। देखो माताजी, तुम्हें अगर दर्शन करना है तो अपने बच्चे के कहने पर मत चलना, तुम्हें दर्शन अवश्य हो जाएगा। अच्छा तू हमें बच्चा समझ रहा है? बच्चे तुमने अभी कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, तो मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये कह रहा था अगर मेरा सखा कृष्ण यहाँ होता मजा आता। अरे बेटा चल, वो निकल गए तो मन की इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी, जल्दी चल। आ आ जल्दी आ। मैया तुझे याद है एक बार मथुरा में भोले बाबा कृष्ण के घर आए थे तो उन्होंने अपने मरघट के विषय में कितनी प्रशंसा की थी, जबकि पनघट से बढ़कर कोई भी स्थान नहीं है। आज हम इनको यही प्रश्न पूछ लेते हैं, मरघट बड़ा है या पनघट? मर गए धरती देखी, ये परिक्रमा हो चुकी। ऐसा करो बेटा नंदनी, अब कैलाश ही लौटना उचित होगा। चल लो पहली गाड़ी से। अब वही तो कह रहा हूँ, वरना ये हमें पहले की तरह बातों में लगाकर पूर्णिमा का पावन दिन भी निकलवा देगा। देखो इसकी चतुरता, कृष्ण का सखा बता रहा है। आपने कुछ कहा बाबा? त्रिलोकीनाथ से कितनी बात छुपा रहा है, नहीं तो तुझे ज्यादा सुनाई देता है क्या?
तो फिर बाबा तुम अपने मुख से न्याय कर दो कि पनघट बड़ा है या मरघट। बाबा एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर यहाँ आए थे, वे ढोंगी पाखंडी तो हैं ही, ये तो आपने सुना ही होगा। बस करो चुप हो जाओ। देवों के देव महादेव को ढोंगी पाखंडी बहरपिया बताते हो? अरे शर्म करो शर्म, उनकी कृपा से यहाँ दो रोटी नसीब हो जाती है। ठीक कहा तूने। गुरु को बुरा तो नहीं लगा, परंतु चेला इतनी बुरी क्यों मान रहा है? अरे सुनो। हाँ सुना बच्चे सुना। वो संत बने कहीं विप्र बने, कहीं कोड़ी बन कर आता है, कहीं जूता गांठे मोची बन, कहीं नट की कला दिखाता है। ये तो हमारे बारे में कह रहा है। ऐसी ही बात है क्या? बात तो सही है लेकिन छुपाना है ना। अच्छा 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 दबाव से। वो आज रात को भैया परिक्रमा देने आएगा, अपनी गौरा को साथ लिए ब्रजराज को लेने आएगा। पार्वती सो गई क्या? नहीं नहीं स्वामी। वो क्या जाने पनघट का मर्म, आखिर वो भूत प्रेत जो ठहरा। बस करो बच्चे। ए माई इसे ले जा रही हो या फिर कुछ सुनना चाहती हो? नहीं मैं इसे ले जाती हूँ। अरे बेटा तू तो इनसे बहस क्यों कर रहा है, ये तो साधारण लोग हैं, हमें तो भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। लाला मेरे बेटा चल यहाँ से। सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मरघट की बराबरी बच्चे पनघट से कभी न हो सकती। अच्छा मरघट की बराबरी बच्चे पनघट से कभी न हो सकती, क्या तुच्छ बात करता है तू, मरघट सी जगह न मिल सकती। सच ये है कि अंत में हर किसी को मरघट पर ही आना है। एक बात सुनो प्यारे, बुरा मत मानना। कहो ना। मरघट जाने को कोई भी तैयार नहीं होगा प्राणी। मरघट जाने को कोई भी तैयार नहीं होगा प्राणी, पनघट का पानी पी ले तो बोलेगा मधुर मधुर वाणी। क्या तो सही रहा है। और सुनो, तेरा गुरु पिटे तू स्वयं पिटे, गुरु माता का नंबर आवे। नादिया तो पार्वती कहीं कहाँ से? सही कह रहे हो। तेरा गुरु पिटे तू स्वयं पिटे, गुरु माता का नंबर आवे, इस मृत्यु लोक के लोगों से महादेव बचा भी नहीं पावे। सही कह रहा है ये, या है ऐसे लोग। बस 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 करो बेटा, हमें क्या लेना देना मरघट और पनघट से। अच्छा भैया देवी। हाँ माँ देवी। तू इसे ले जा ले जा, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, परिक्रमा करने आए हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं। जा जा बेटा जा, अपना काम कर जा। पहले अपने चेला को समझाओ, उस भिखमंगे की तरफदारी कर रहा है वो फक्कड़ भूतनाथ, क्या इसका रिश्तेदार है जो इतना लाल पीला हो रहा है, हमारे ऊपर चढ़ के जवाब दे रहा है। सुनना ही चाहता है तो मैं फिर एक बात कहूँ, खोल के रख दूंगा, मैं जानता हूँ वो कितना बड़ा देवता है। अरे मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कैसा बोल रहा बेटा, शर्म क्यों करता है, बोल बोल जल्दी बोल, आज तू अपने अंदर की भड़ास मिटा ले, बोल जल्दी बोल ना बोल। अरे जो मुर्दों की खोपड़ी में दाल भात बनाकर खाते हो, भला वो कैसे खानदान के होंगे।
ए छोड़े तू भी सुन, तेरे ब्रज का तो भगवान वो चोरी करे, तेरे ब्रज का तो भगवान चोरी करे, मांगे घर घर वो माखन गुजारा करे, तेरे ब्रज का तो भगवान चोरी करे। ठीक कह रहा है ना दिया, अब आएगा होश में ये। वो अहीरों की जूठन सदा चाटता, हाथ फैला के घर घर दही मांगता, जो गुजारा करे हो जो गुजारा करे गाय के दूध से, वो तो ग्वालों को ईश्वर दिखे दूर से। सही बात है, गालों में गुलचे खाता फिरे दर बदर, गालों में गुलचे खाता फिरे दर बदर, वो कैसा है दाता ये हमको खबर, छेड़ता फिरता पनघट पे जो नारियां, छेड़ता फिरता वो पनघट पे नारियां, तोड़ देता कलाई पकड़ चूड़ियां। वाह वाह नारिया। और सुनो, ऐसे रसिया को सुन कौन ईश्वर कहे, ऐसे रसिया को सुन कौन ईश्वर कहे, मांगे घर घर वो माखन गुजारा करे, तेरे ब्रज का तो भगवान चोरी करे, मांगे घर घर वो माखन गुजारा करे, तेरे ब्रज का। अरे बेटा नंदी छोड़ो बेटा, बच्चों के मुंह नहीं लगते हैं। अरे भैया तू यहाँ से जा 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 जा। एक बात और बताऊं, मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ और वो मेरा ईश्वर है। हमारा ईश्वर बेशक नारियों की चूड़ियाँ तोड़ता है, मटकियाँ चाटता है, परंतु उसे मरघटवासी जैसा नहीं है जो। हाँ 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 बोलना, जो क्या होती, चुप क्यों हो गया, कृष्ण के गुलाम बोलना, जल्दी बोल। मेरा ईश्वर ब्रज गोपिन संग बेशक रास रचाता है, पर तेरे मर घट बासी सा ढोंग नहीं फैलाता है। बहुत बोलता है। हाँ तेरे उस भोले के सिर पे चढ़ गई बेटा एक नारी, नारी को जो सिर पे बिठावे वो कैसा है ब्रह्मचारी। अब क्यों चुप है, बोल बोल तू क्यों बेटा शर्माता है, मरघटवासी के गुण तब से बहुत ही गाए। देख ले बेटा मेरी भी सुन ले। सुनाओ सुनाओ। ओ वस्त्र चुराता जो गोपिन की रस्सी बांधा जाता है, थोड़े से माखन का लालच ब्रज में उसे नचाता है। का वो महाचोर है, चोरी उसका पेशा है, चोरों का सरदार कन्हैया जैसा कहीं न देखा है। ऐसे ही मानेगा ये बेटा। चोरों का वो महाचोर है, चोरी उसका पेशा है, चोरों का सरदार कन्हैया जैसा कहीं न देखा है, तू भी उसका मित्र बना है,
क्यों तू समय गंवाता है, उसके चक्कर में पड़ कर के जीवन खोता जाता है। अरे लाला, तू इनसे बहस काहे को कर रहा है? ए, देखो बहन, हमारे पति देव अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं इसे, और तुम्हारा ये बालक बहुत देर से बोलता जाता है। अब इसे ले जाओ जल्दी से ले जाओ, वरना तुम्हें महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ले जाओ यहाँ से। चल बेटा, जल्दी चल तू अब। बेटा नंदी, अब वो गया, अब एक काम करो। हाँ? पहले गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं। चलो चलो बेटा, आओ आओ चलो। धन्य हो गिरिराज महाराज, आप धन्य हैं धन्य हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बाबा, अब तो कुछ गुणगान हो जाए। क्यों नहीं बेटा, तो हो जाओ शुरू। हो जाओ ना गुरु, जल्दी हो जाओ शुरू। एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे, एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे। धीरे धीरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे, एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे। इनके लिए ये जीवन है, तन मन धन सब अर्पण है। प्यारा ये गोवर्धन है, काटी गाँव भव बंधन है। पर्वत है संकटहारी, सूरत जग से है प्यारी। पर्वत है संकटहारी, सूरत जग से है प्यारी। पूछरी के लौटा जाके, पूछरी के लोठा जाके, जूम जूम जाएंगे। एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे, एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे। धीरे धीरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे। नंदी, बेटा नंदी। हाँ बोलो ना प्रभु। एक बात का ध्यान रखना। हाँ। अरे नंदी मिल ना जाए वो, परिक्रमा रुकवा दे वो। है चालाक कन्हैया वो, संग लाया है मैया को। ऐसी बात है प्रभु। नंदी मिल ना जाए वो, परिक्रमा रुकवा दे वो। है चालाक कन्हैया वो, संग लाया है मैया को। इधर उधर देखते रहना, उस पर नजर किए रहना। इधर उधर देखते रहना, उस पर नजर किए रहना। मिल गया जो रास्ते में तो, मिल गया जो रास्ते में तो, फिर से फंस जाएंगे, फिर से फंस जाए। एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे, एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे। धीरे धीरे गोवर्धन की, धीरे धीरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। एक दिन बाबा मेरे मनो बस जाएंगे, एक दिन बाबा मेरे मनो बस। चलो तो सही, गुरु और चेला गिरिराज बाबा का भोग लगाओ तो सही। मेरे घर में आकर मुझसे ही चोरी। चलो तुम आगे, कृष्ण तुम्हारे पीछे ही रहेगा। बेटा नंदी। हाँ प्रभु। ये जो सामने देख रहे हो, हाँ हाँ, यही है गिरिराज बाबा का मुखारविंद। अच्छा, चलो आओ बेटा, भोग लगाएंगे, आओ। हे सर्वरूप सर्वेश्वर, बनखंडेश्वर झारखंडेश्वर महादेव, मैं एक बात कहूँ।
बात बाद में, पहले एक काम करो बेटा। क्या महादेव? कहिए देवादेव महादेव। नजर नजर मारो बेटा इधर उधर। हाँ हाँ प्रभु। कि नजर घुमा कर देख जरा, पीछे छलिया कृष्ण खड़ा। नजर घुमा कर देख जरा, पीछे छलिया कृष्ण खड़ा। वो देख, वो पीछे है। हाँ 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 देख रहा है ना। हाँ हाँ दे भोग लगा तू दौड़ी के, जयकारा उनका बोल के। नजर घुमा कर देख जरा, पीछे छलिया कृष्ण खड़ा। नंदी। हाँ प्रभु। जल्दी जाओ देख रहा है चोर, देर हो रही होनी आया भो। जल्दी जाओ तुम भोग लगाओ ना, वो देख लेगा बेटा। हाँ प्रभु। ये जल्दी जाओ देख रहा है चोर, देर हो रही होने आया भोर। अपनी माँ के साथ लगाइयो भोग, खुश होकर बाबा काटेंगे रो। बोलो जयकारा प्यारा प्यारा, बोलो जयकारा प्यारा प्यारा। ये भोग लगा तू दौड़ के, जयकारा उनका बोल के। नजर घुमा कर देख जरा, पीछे छलिया कृष्ण खड़ा। नजर घुमा कर देख जरा, पीछे छलिया कृष्ण खड़ा। बेटा हाँ प्रभु। जल्दी से जाओ और भोग लगा दो। हे कैलाशपति, भोग का तो बहाना है, हमें गिरिराज की सुंदर झांकी का दर्शन ही तो करना है। बोलो बोलो महादेव। पार्वती। हाँ महादेव। बात तो कहीं तक सत्य है, परंतु ये पीछा छोड़े तब ना। मैया देख, तुझे पनगट पर ये ही तीनों मिले थे, पहचान ले। वो देख नजरें चुरा कर खड़े हैं, वो देख। हाँ बेटा, किंतु हमें इनसे क्या लेना देना, ये बेचारे तो परिक्रमा देने के लिए आए हैं। बेटा हमें तो महादेव, उनकी महादेवी महानंदी के दर्शन करने हैं। तू कितनी भोली है मैया, पहचान न पाई शंकर को। वो क्यों लाला? तू कितनी भोली है मैया, पहचान न पाई शंकर को। यही तीनों शिव उमानंद दिया, भोग लगावे गिरिवर को। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही तीनों शिव उमानंद दिया, भोग लगावे गिरिवर को। दर्शन कर ले महादेव के, घड़ी आज सुबह आई है। क्या कह रहा है लाला तू? ये शिव पार्वती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुन लाला। सुनाओ माँ। बेटा शंकर के और जटा जूट गल में सर्पों की माला थी। सुना लाला? हाँ मां।
कन्हैया ये भी नहीं हो सकते। उनका तो रूप ही निराला है जो मन को मोह लेता है मेरे लाला। और सुनो कन्हैया, विश्वास नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देख माँ, नहीं, इनका वास्तविक स्वरूप देखना है। तू इनके पास जाओ और जैसे ही ये गिरिराज बाबा का भोग लगाएं, तभी मैं तुझे दिखा दूंगा ये नटरंग है। जय मैया। लगा बेटा, भोग लगाओ, इधर उधर मन देखो, जल्दी लगाओ। देवी पार्वती जल्दी करो ना, अपने हाथों से गिरिराज का भोग लगाओ, वो नटवर पीछे खड़ा है। बुलाओ अपनी माता जी को जल्दी। पार्वती। हाँ भोलेनाथ। आओ जल्दी लगाओ। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। ए बाबा। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। कैसा लग रहा है पार्वती? बहुत अच्छा लग रहा है। तो लगाओ ना। अरे बहुत दिनों से आस लगाई, आज ये पूरा जने होने को आई। होकर प्रगट करियो मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। मेरे बाबा रुचि भोग लगाइयो मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। ए बाबा। रुचि रुचि भोग लगाइयो मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा गोवर्धन गिरधारी। भोलेनाथ, ये तो यशोदा का छोरा है। पर जब मिला था, पर जब मिल का सखा बता रहा था, गिरिराज बाबा कहाँ है? अरे ये कैसे निकल पड़ा वो मूर्ति से? अरे वाह रे चलिया, तुम नहीं समझोगे बेटा, यही तो गिरिराज हैं, यही हैं गिरिराज हैं, यही कृष्ण हैं, कृष्ण ही गिरिराज हैं। जय हो प्रभु, जय हो मुरली मनोहर। हमें तो भक्तों था, परंतु आप अनंत अलग शरीर में संसार समझता है, इसलिए हमने पार्वती ने और नंदी ने ये परिक्रमा का बहाना करके, पनघट की संस्था करके, विश्वास दिला करके यहाँ ये लीला शुरू कर दी थी। प्रभु धन्य हो प्रभु, मुरली मनोहर धन, मुरली मनोहर नटवर राज, आप धन्य रहो। हे भोलेनाथ, आपके हाथों से कितना अच्छा लग रहा है। तो आप तो के गवार लोग हैं। अरे क्यों झूठ बोलते हो महादेव? आपको क्या पता ये यशोदा आपके दरिया के लिए कितना बेचैन हो रही थी। आप है कि झूठ बोलकर ले जा रहे थे। आप कब आओगे नाथ, कब आओगे? देवी यशोदा,
मुझे भी मैया का दर्शन करना। आओगी भोले हमारे अवश्य आएंगे, अवश्य अवश्य आएंगे दीदी, अवश्य आएंगे। दर्शन करने को अब दर्शाएंगे देवी। तीनों ही आएंगे आएंगे, आएंगे एक बार तुम भी कह दो। माता जी अपने बेटे को लेकर आना बस। अरे वो तो हम बुलाएंगे, बेटा बुलाएगा इनकी लीलाओं का। आहा, धन्य है नटवर, धन्य है इनकी लीलाओं का अधिक विस्तार है। इसलिए सोला अब हम तुम्हारी ब्रज भूमि से कैलाश को चलते हैं। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की। चलो चलो आओ देवी पार्वती, आओ आओ बेटा नंदी।